हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों आपको सूट के घेरे में और बाजू में बॉर्डर लगाना सिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीका है दोस्तों। और इसमें दोस्तों एक तरीका ऐसा है, अगर आपकी सूट की लंबाई कम हो जाती है तो उसको कैसे बढ़ाएंगे वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले दोस्तों हम आपको पहला तरीका सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको दूसरा तरीका सिखाएंगे। जैसे हमने ये सूट एक ले रखा है, ठीक है, इसकी हमने गला वगैरह सारा कुछ बना रखा है। अब नीचे के घेरे की तरफ दोस्तों ये हमने तुरपाई का मार्जिन दे रखा है एक्स्ट्रा। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा तुरपाई का मार्जिन है ना, उसको लंबाई के बराबर से ही फोल्ड करते हुए इसको अंदर इस तरीके से मोड़ेंगे, आधा इंच का मार्जिन अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इस पर पक्की सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। लपकी सिलाई इस पर लगाएंगे और पक्की सिलाई लगाएंगे, हमें तुरपाई की सिलाई नहीं लगानी। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम लेंगे बॉर्डर, ठीक है। ये हमने बॉर्डर ले लिया, घेरे से हल्का हल्का कट एक्स्ट्रा बॉर्डर लेना है आपको। और नीचे जो हमने मार्जिन छोड़ रखा है ना बॉर्डर में, उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे लपकी, ठीक है। घेरे के बराबर से आपको बॉर्डर रखते हुए इसमें हम लपकी सिलाई लगा देंगे। अच्छे से फिनिशिंग से आपको घेरा मोड़ते हुए लपकी सिलाई लगानी है। ये हमने लपकी सिलाई लगा ली अच्छे से फिनिशिंग से, और पीछे भी दोस्तों हमारी फिनिशिंग है, कोई झोल वगैरह नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर से भी हमने मार्जिन छोड़ रखा है बॉर्डर में एक्स्ट्रा, इसको भी अंदर की तरफ इस तरीके से बॉर्डर के बराबर से करते हुए आपको सिलाई लगानी है। सिलाई बॉर्डर में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फूल पत्ती कुछ भी बना हो तो वो ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, जैसे हमारे बॉर्डर में जा रहा है। तो दोस्तों आप बॉर्डर देख कर ही ध्यान से लगाएं, ठीक है। अभी हमने लगा दिया एक्स्ट्रा मार्जिन, जो भी है दोस्तों वो आपको कटिंग करना है, और पीछे से भी हमारी फिनिशिंग से आई है। इस तरीके से आपको मार्जिन एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है। आप दोस्तों घेरे के बराबर से भी बॉर्डर ले सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा लें। ये हमारा दोस्तों पहला तरीका हो गया। अब आपको बाजू में यही तरीका अपनाना है। जैसे कि दोस्तों बाजू में भी हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन दे रखा है, इसको दोस्तों हम नॉर्मली जैसे हमने घेरे में फोल्ड करा था उसी तरीके से ही आपको फोल्ड करना है। यहाँ से बाजू की लंबाई से ही दोस्तों एक्स्ट्रा कपड़ा हमें फोल्ड करना है। इस पर भी हमें लपकी सिलाई अच्छी पक्की लगानी है, ठीक है। बॉर्डर को भी इसी के ऊपर रखते हुए अच्छे से उल्टा सीधा देखकर आप बॉर्डर रखते हुए नीचे की तरफ से ही आपको लपकी सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से बॉर्डर को रखना है बाजू के बराबर से, आप लपकी सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग से। बॉर्डर में दोस्तों खासकर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी फूल पत्ती बनी हो वो आप देख कर ही लगाएं, जिससे कि आपका बॉर्डर उल्टा ना लगे। इस तरीके से ऊपर का भी मार्जिन अंदर करते हुए आपको बॉर्डर लगाना है। ये दोस्तों हमने पहला तरीका आपको सिखा दिया, अब आपको दोस्तों सिखाते हैं दूसरा तरीका, ठीक है। ये दोस्तों हमने दूसरा पल्ला ले लिया है सूट का, ये आगे का पल्ला हमारा दोस्तों। अब नीचे के घेरे की तरफ जो हमने तुरपाई का मार्जिन दे रखा है उसे दोस्तों आधा इंच छोड़ते हुए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, उल्टी तरफ दोस्तों इस तरीके से रखेंगे और बॉर्डर लेंगे। बॉर्डर लेने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, सूट रखेंगे उल्टा और बॉर्डर रखेंगे सीधा इस तरीके से, ठीक है। बॉर्डर रखने के बाद और बॉर्डर को दोस्तों घेरे के बराबर से ही रखना है, नीचे लंबाई से ही, और इसमें जितना आपका मार्जिन है आधा इंच का हमने मार्जिन छोड़ रखा है उसी हिसाब से ही दोस्तों बॉर्डर के बराबर करते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग गई। सिलाई लगने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, बॉर्डर की तरफ मार्जिन करते हुए इसमें हम नाखून लगाएंगे अच्छे से फिनिशिंग से। अब इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, कपड़े के बराबर से बॉर्डर करते हुए हम इस पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो अंदर का मार्जिन होता है दोस्तों वो भी अच्छे से दब जाएगा। इस तरीके से करते हुए आपको एक पैर की सिलाई लगानी है। अच्छे से बराबर से ही कपड़ा फोल्ड करें, जिससे कि आपका बॉर्डर जो लगेगा वो अच्छा फिनिशिंग से लग के आएगा। ये हमने एक तरफ लगा दिया और पीछे से भी दोस्तों हमने फिनिशिंग आ रही है एकदम अच्छे से फिनिशिंग से। अब ऊपर भी दोस्तों जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी फिनिशिंग से ही आपको फोल्ड करना है। और कपड़ा दोस्तों नीचे का ध्यान रखना है आपका। कई बार क्या होता है दोस्तों, बॉर्डर हम लगा देते हैं लेकिन नीचे कपड़े में झोल आ जाती, तो अच्छे से आपको फिनिशिंग से कपड़ा बैठाते हुए आपको बॉर्डर लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन दोस्तों हम कटिंग कर देंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। ये दोस्तों हमने आपको सिखाया दूसरा तरीका, यही तरीका दोस्तों हम अप्लाई करेंगे बाजू में, ठीक है। जो तरीका हमने सिखाया उसी तरीके से ही आपको बाजू में तरीका अपनाना है। जैसे एक्स्ट्रा मार्जिन हम कटिंग कर देंगे आधा इंच का छोड़ते हुए, जितनी भी आपकी लंबी बाजू हो तुरपाई में से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। बाजू को ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरीके से और बॉर्डर को रखेंगे बाजू की तरफ सीधा इस तरीके से रखते हुए, और नीचे जो हमने मार्जिन दे रखा है उसी हिसाब से ही आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है एक जैसी, और इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरीके से नाखून लगाएंगे और सीधे की तरफ फोल्ड कर देंगे इसे, और बराबर से कपड़ा करते हुए इस पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे भी अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे।
ये दोस्तों हमने आपको सिखाया दूसरा तरीका, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हमारी लंबाई किस तरीके से अगर कम हो जाती है तो किस तरीके से बढ़ेगी। जैसे कि दोस्तों ये हमने पहला दूसरा तरीका सिखाया है, तो इसमें दोस्तों हमारी लंबाई नहीं बढ़ सकती, ठीक है, इसमें हमारी लंबाई नहीं बढ़ेगी। और पहले तरीके में दोस्तों हमारी लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे ये जो हमने कपड़ा फोल्ड कर रखा है उसे खोलेंगे, खोलने के बाद दोस्तों जैसे हमने दूसरा तरीका बताया उसी तरीके से आप बॉर्डर लगा देंगे, इस तरीके से आपकी बाजू की लंबाई बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों आपको सूट के घेरे में ही आपको अप्लाई करना है। जैसे हमने ये पहला दूसरा तरीका बताया उस तरीके से आपकी लंबाई नहीं बढ़ पाएगी, और दोस्तों जो हमने पहला तरीका बताया उसी तरीके से आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे इसे खोल देंगे, खोलने के बाद जो हमने दूसरा तरीका बताया ना उसी तरीके से ही आप बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने बाजू में सिखाया आपको, इसी तरीके से आपको घेरे में सिखाया है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर पूछें।